जय हिंद। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब ये क्या होगा और कौन सा अब आपसे टेस्ट लिया जाएगा जॉब से पहले, जिसे हम लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कहेंगे, समझिए ध्यान से। पहला तो इसमें जितने डाउट्स हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो एजेंसी एग्ज़ाम लेगी तो एजेंसी की जिम्मेदारी होती है फॉर्म भरवाना या फिर आपसे एडमिट कार्ड आपको जारी करना, आपके सेंटर्स को देखना, वहाँ नकल हो रहा है कि नहीं इसको रोकना, फिर आपके रिजल्ट्स को देखना। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है एक एजेंसी के लिए, सोचिए बहुत लंबा काम होता है। तो ये सारा काम अब पहले क्या था कि SSC देखती थी और रेलवे अपना देखती थी और बैंकिंग के लिए IBPS एक संस्था थी वो अपना देखती थी। अभी क्या किया गया है कि एक कॉमन कर दिया कि भाई हम सबका हम देखेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यही देखेगी। और ये जो है जो एग्जाम लेगी उस एग्जाम का नाम रहेगा, जो क्वेश्चन का एग्जाम आएगा उस एग्जाम का नाम रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET। यानी जो जितनी व्यवस्था करेगी वो व्यवस्था का नाम रहेगा आपका NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जो आप एग्जाम देने जाएंगे उस एग्जाम को कहेंगे CET। अभी आप एग्जाम देने जाते थे तो क्या कहते थे, रेलवे का जा रहे हैं, NTPC का देने, कहाँ भाई IBPS, PO, क्लर्क, SSC, अब नहीं CGL, LDC, अब आप कहाँ जा रहे हैं, CET का एग्जाम देने। तो समझते हैं कि क्या ये अच्छा है या इसमें क्या अच्छाइयाँ या क्या कमियाँ हो सकती हैं और इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। आपके मन में जो डाउट्स हैं उस सबको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये लागू कब से होगा, तो 2020 से लागू नहीं होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं 2020 से लागू नहीं है, भाई तो अब 2020 में बचा क्या, जनवरी फरवरी मार्च लॉकडाउन दिसंबर खत्म है क्या ये 2020 में, तो 2021 में ये लागू होगा। किस किस चीज़ों पे लागू होगा, तो ये SSC बैंक और रेलवे पे लागू होगा, प्राइवेट चीज़ों पे ये लागू नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है उस पर कोई फर्क आने वाला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसे फॉलो करेगी। तो आप समझिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे क्या खेल है इसका। जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई साहब हम इसका साल में दो बार एग्ज़ाम लेंगे, और ये साल में जो दो बार एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम को पास करने वाला यह समझा जाएगा कि जितने भी एग्जाम्स थे जो रेलवे के थे, SSC के थे, IBPS के थे यानी जो बैंकिंग के थे, उसका उसने PT क्वालिफाई कर लिया। तो ये जो CET एग्जाम है ये केवल आपको इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि आपने PT एग्जाम पास कर लिया। रेलवे मेंस लेगा, SSC भी मेंस लेगी, बैंकिंग भी लेगी, आपको कोई चेंजिंग नहीं आया है। बस इतना समझिए कि जो आप अलग अलग जगह जाके आप एग्जाम देते थे आप उसके प्री को, अब आप केवल CET का एग्जाम दे दीजिएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपके पास हो जाएगा एक सर्टिफिकेट। समझ में आ गया, अब आप वो समझिए कि आप प्री क्वालिफाई कर लिए। अच्छा बात ये है कि आप केवल CET का प्री पास करेंगे, आपको समझ जाएगा कि आप SSC का भी प्री क्वालिफाई कर लिए, रेलवे का भी और PO मतलब बैंकिंग का भी पास कर लिए। इसका जो एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन लिए जाएंगे। और इस बार अच्छी बात ये की गई है कि जो इसमें 1000 के लगभग सेंटर दिए गए हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर रहेगा। लेकिन इसमें एक संदेहास्पद यह है कि अभी SSC पे बड़ा धांधली चल रहा था, उसी व्यक्ति का उसी डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिएगा तो थोड़ा धांधली की संभावना हल्का सा बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहां तो यह होता था कि जो बिहार के लड़कों को उठा के गुजरात, गुजरात वाले को आसाम भेज दीजिए, तो उससे थोड़ा सा निजात मिलेगा, यह अच्छाई है इसकी। और एक बात और, जो पहले हिंदी और इंग्लिश में पेपर हुआ करते थे, अब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इतने 22 भाषा है। वीडियो को धीमा करके गिन लीजिएगा, ये आपका काम है, बाकी क्लास में हम 2200 भाषा याद करा दिए हैं। इन 22 भाषा में से 12 भाषाओं में एग्जाम लिए जाएंगे आपके, तो ये भी एक अच्छी बात है, कई भाषा मिलेगी। जो इसमें नंबर आपका जो स्कोर मिलेगा ना इस एग्जाम को पास करने के लिए, वो स्कोर जो है आपका मान लिया जाएगा कि वही स्कोर आपका कट ऑफ के लिए हो जाएगा। जैसे मान लिया कि किसी ने CET का एग्जाम दिया और उसका स्कोर आया 100 में 60 नंबर, तो आप ये समझ जाइए कि 100 में आप प्री में 60 नंबर पाए हैं। अब मान के चलिए कि बैंकिंग ने कहा कि भैया जिसका जिसका 80 नंबर है CET के एग्जाम में, आप आ जाओ, आप कितना स्कोर किए हैं 60 नंबर, आप चुपचाप देखिए आपके पास है CET, पास किए हैं 60 नंबर है, नहीं जाएंगे आप। रेलवे कहा कि भाई साहब 70 नंबर वाला आ जाओ, तभी नहीं जाइएगा। और मान लीजिए चलिए SSC ने कहा कि भैया 55 नंबर वाले आ जाओ, आप चले जाएंगे वहां पर। तो ये जो स्कोर है, ये स्कोर आप मैच कीजिएगा कि जो फॉर्म आ रहा है उसका कट ऑफ क्या है, तो उसी तरह से आपके लिए ये स्कोर का काम करेगा। अब मान के चलिए कि किसी लड़के ने 60 नंबर स्कोर कर लिया, अब उसका तो जो भी 60 नंबर से ऊपर कट ऑफ वाले मांगेंगे तो उसमें तो वो बेचारा जा ही नहीं पाएगा। तो
इसका जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी कितने साल है? 3 साल है। तो 3 साल तक वो 60-60 नंबर लेके घूमते रहेगा तो उसको बेचारा तक आधी नौकरी ऐसी खत्म हो जाएगी उसके लिए, तो एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा नंबर कम होने की वजह से। इसलिए कहा गया है कि भाई आपके पास चांसेज अनलिमिटेड है, आप अपने एज लिमिट में जितनी बार चाहें आप सीईटी का एग्जाम दे दीजिए। तो मान लीजिए कि उसका जो स्कोर था 60 नंबर वो अगली बार फिर बैठ जाएगा। अब मान लीजिए उसका 80 नंबर आ गया तो उस वो जो 80 नंबर लेटेस्ट एग्जाम में दिया है वहां से 3 साल तक उसकी वैलिड रहेगी कि भाई साहब ये 80 नंबर है। अब जो जो एग्जाम आएंगी, 3 ही एग्जाम को शामिल किया गया, एसएससी, रेलवे और बैंक को, अब वो कहेंगे कि भैया 80 नंबर जिनका जिसका स्कोर था मेरे कट ऑफ के अंदर है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब अपने एज लिमिट में आप जितनी बार चाहें एग्जाम दे सकते हैं। तो इसको हमेशा देते रहिएगा जब तक कि आपका अच्छा स्कोर ना आ जाए, ताकि आप हर एग्जाम में बैठ सके। इसके सिलेबस की जहां तक बात है तो भाई साहब अभी सिलेबस पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है, सिलेबस आपको पता चलेगा जब एग्जाम ले लेगा तब। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि ये जो एग्जाम लिया जा रहा है सीईटी, उसमें एसएससी के भी पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा, रेलवे को भी, बैंकिंग को भी। बैंकिंग का इंग्लिश थोड़ा सा अलग डिजाइन का होता है, मैथ उतना नहीं दिया जाता है। एसएससी में मैथ ज्यादा टफ रहता है, इंग्लिश का एक खास पैटर्न है कि हाँ इतना आएगा। रेलवे में जीएस और साइंस का ही दबदबा है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को इग्नोर करेगा, हमको जहां तक लगता है कि ये क्या करेगा कि भाई 50-50-50 नंबर का कर देगा चारों सब्जेक्ट। 50 नंबर का इंग्लिश दीजिए, 50 नंबर का मैथ, 50 का रीजनिंग, 50 का जीएस, 200 नंबर का आपका दे देगा, सबको बराबर कर देगा। और उसके बाद आपको एक स्कोर दे देगा, आप उसके बाद आप देखते रहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ये 200 नंबर का हो गया, 50-50 नंबर से चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आपको सीईटी के एग्जाम में बैठना है, आप पा गए 200 में, मान लीजिए कि 150 पा गए, अब अगली बार रेल इन सब का वैकेंसी आएगी। तो ये लोगों ने तो भाई अब अपना प्री का झमेला खत्म, इनका भी अब प्री नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा, यानी टीयर वन खत्म हो गया यहाँ। अब क्या होगा कि आपने जो 200 में मान लिया कि 150 नंबर पाए हैं, तो एसएससी कहेगा कि भाई हम 160 स्कोर वालों को लेंगे, मेरा कट ऑफ 160 है। तो जिसने सीईटी में 150 पाया वो तो इसमें जाएगा नहीं। रेलवे ने कहा कि भाई हम 140 वालों को ले लेंगे, तो जो 150 पाया इसमें भर देगा, इसका मेंस में सीधे चला गया, मेंस दिया है, नौकरी हो गया। आईबीपीएस ने कहा कि भाई हम 150 वालों को ले लेंगे, तो वो भी चला जाएगा 150 वाले में। तो आप ये समझिए कि आप सीईटी का जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम हर एक एग्जाम के लिए एक कॉमन प्री एग्जाम है। अब इसमें एक और समस्या, जैसे देखिए एसएससी को देखिए, तो ये एमटीएस का एग्जाम लेती है वो 10th लेवल पर, एलटीसी का लेती है 12th लेवल पर, और जो ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल लेती है। तो क्या आपको लगता है कि एक ही सीईटी के एग्जाम से आप एमटीएस, एलडीसी सबको क्वालिफाई कराएंगे? नहीं। रेलवे में भी बहुत से जॉब है जो 10th पे हैं, कुछ इंटर पे हैं, कुछ ग्रेजुएशन पे है, कुछ टेक्निकल वाले हैं कि भाई ये आईटीआई वाले ही भरेंगे, जेई वाले के लिए तो फिर वो टेक्निकल चाहिए आपको, डिप्लोमा या बीटेक वगैरह। इसमें भी है भाई, जब आप इंटर पे भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पे भी भर सकते हैं। बैंकिंग के जॉब को क्लर्क जैसे पीओ वगैरह के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। तो जो आपका नया जो सीईटी जो एग्जाम होगा उसके भी 3 टाइप होंगे, एक होगा 10th लेवल वाला, एक 12th लेवल वाला, एक ग्रेजुएशन लेवल वाला। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम दे दिया सीईटी का 10th लेवल वाला, तो इंडिया में जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की जो भी वैकेंसी आएगी जो 10th लेवल पर है, उसके लिए आपको कहा जाएगा कि आप अपना स्कोर दिखाइए 10th लेवल वाले में था। मान लीजिए कि आपने 10th लेवल वाला सीईटी का एग्जाम दिया है बट 12th लेवल वाला नहीं दिया है, तो आप भूल जाइए कि आप एलडीसी वाले में जाएंगे, आप एमटीएस का प्री क्वालिफाई हैं, एलटीसी के लिए नहीं है। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन वाला दे दिया तो आप सीजीएल के लिए क्वालिफाई हैं या फिर पीओ वगैरह के लिए क्वालिफाई हैं। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर अगर हमने सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का सीईटी का एग्जाम होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसको दे दिए तो हम तो 12th लेवल वाले के लिए एलिजिबल, एक तरह से आपके मन में आता होगा 10th वाले के लिए एलिजिबल हो गए। ऐसा नहीं है, आपको अगर तीनों में बैठना है तो तीनों स्टेजेज के आपके पास सीईटी पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप एमटीएस का फॉर्म भर दिए, ठीक है, और एलटीसी का भी भर दिए जो 12th लेवल पर होता है, सीजीएल भी भर दिए जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, अब आप पुराने परंपरा के हिसाब से सोचिए, क्या आपको यहाँ पीटी नहीं देना है कि यहाँ नहीं देना है, यहाँ नहीं देना है, हर जगह आपको पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा प्री। आप एमटीएस में भी प्री देते हैं, बाद में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें भी देते हैं, आप एलटीसी में बाद में टाइपिंग वगैरह करते हैं, सीजीएल में देते हैं, टीयर वन टीयर टू में जाते हैं आप लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि हम हर लेवल के एग्जाम में बैठें इन तीनों के, तो हर लेवल के सीईटी को पास करना जरूरी है। इसका मतलब आपको अगर 10th लेवल का कोई भी एग्जाम देना है तो आपको 10th लेवल का सीईटी पास करना पड़ेगा, 12th वाला देना है तो इसमें पास करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला देना है तो इसमें पास करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए इसको लाया इसलिए गया था कि जो वैकेंसी जो थी वो एग्जाम टाइम से हो नहीं पाते थे,
तो क्या था कि जो लड़का रेलवे में पीटी में बैठता था वही चला जाता था, कभी रेलवे वाला तो बैंकिंग में बहुत कम जाता था, तो जो रेलवे में बैठता था वो एसएससी के भी पीटी में देता था, तो भीड़ लग जाती थी कि रेलवे में भी जाता था वही लड़का एसएससी इसमें भी जाता था। अभी क्या है कि तीनों का तो जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो तो सीईटी हो जाएगा, एक ही बार दो, इधर नहीं। अब क्या है कि अब मेंस में जाना पड़ेगा डायरेक्ट इसके पास, मेंस में डायरेक्ट इसके पास, तो इनको जो है एक छांटा हुआ लड़का मिलेगा कि सीईटी में भी बहुत लड़कों को छांट दिया जाएगा, हटो भाई साहब तुम सीईटी में, तुम पीटी के लायक नहीं हो, उसके बाद दे दिया जाएगा सीईटी के बाद। अब एसएससी को कहा जाएगा कि आपको जिस तरह का लड़का चाहिए, जिस तरह का सिलेबस बनाना है आप बनाइए, इसके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये भी अपने मेंस के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, ये भी अपने मेंस के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, 6-6 महीने पर इसको एग्जाम लिया जाएगा। अब आप जरा सोचिए 6-6 महीने पर आप एग्जाम लेके लड़के को इस लेवल का सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप एलिजिबल हैं मेंस के एग्जाम देने के लिए, इन तीनों में किसी का मेंस का एग्जाम दे दीजिए। लेकिन क्या 6-6 महीने पे आप गारंटी लेते हैं कि आप वैकेंसी निकालिएगा? हम कह दें कि 6-6 महीने पे हॉस्पिटल बनेंगे, लेकिन 6-6 महीने पे डॉक्टर नहीं आएंगे, मतलब क्या काम का हॉस्पिटल? तो हम क्या करेंगे सीईटी का हर 6-6 महीने का सर्टिफिकेट लेके, जबकि ये फिक्स है नहीं कि हर 6-6 महीने का पे आपको वैकेंसी निकालेंगे कि नहीं। तब यही हाल होगा आज से 10 साल बाद कि जो भीड़ आपको पीटी में देखने को मिलती थी अब प्री में भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, आप वैकेंसी लाएंगे एक बार 5 साल में, अब 5 साल के बीच में आप 10 बार सीईटी का एग्जाम ले लेंगे, तो यहाँ से खूब ज़्यादा लड़का बटरा जाएगा, एक बार उमड़ जाएगा मेंस में लेके, तो अगर वैकेंसी नहीं आई ना तो इसका कोई फायदा नहीं बनेगा, लेकिन 6-6 महीने पे वैकेंसी आ जाए ना तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा स्टूडेंट्स के लिए। सिलेबस को लेके आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ये नियम कल ना गवर्नमेंट ने बनाया था, आप 15 अगस्त को मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें भी हम आपको बताए थे कि हम किसी भी चीज का एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे तो हम किसी भी चीज की तैयारी नहीं कराएंगे, हम ही नहीं कहेंगे कि आप स्पेशली एसएससी करिए या रेलवे करिए, हम आपको जीएस पढ़ा देंगे। अब आपका मन आप एसएससी में जाइए, रेलवे में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको जीरो से हीरो लेवल में कहीं भी जीएस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आज से भी समझ लीजिए भाई, पढ़ाई ऐसे कीजिए, एग्जाम को ध्यान में रख के नहीं करिए, सिलेबस ध्यान में रखिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब कहीं से भी नहीं फंसना चाहिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो नहीं फंसना चाहिए, जीएस पढ़ रहे हैं तो हमारा जीएस है, हम बाकी सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करें, लेकिन हम आपको एक मार्गदर्शन के लिए कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट पर ध्यान दिया कीजिए, ये नहीं कि भाई अभी कोई वैकेंसी आया कूद जाओ उसमें, उसके हिसाब से पढ़ने लगो, आप अपना सिलेबस को मेंटेन किए रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसे देखने में लग रहा है कि एक तरह से कहिए तो एलडीसी का जो प्री है ना उसी तरह से इसके प्री को लिया जाएगा। देखिए इसी एग्जाम को लेके एक और घमासान है, यूजीसी जो सोई रहती थी वो ये ध्यान नहीं देती थी कि कौन यूनिवर्सिटी 3 साल में सर्टिफिकेट दे रही है, कोई कोई 5-5 साल में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देती थी, नींद से जगी है यूजीसी इस कोरोना में, करिए कि सितंबर तक आप एग्जाम कंडक्ट कराइए हर एक यूनिवर्सिटी। अब एक बात बताइए, सितंबर तक एग्जाम कंडक्ट कराएगा कोरोना के बीच में, अब वहाँ जब कोरोना होगा तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से ले जाएंगे अपने घर में दे देंगे, और इधर सितंबर में एग्जाम डिक्लेयर कर दिया गया जेई इंजीनियरिंग का और नीट जो मेडिकल का एग्जाम था, ये दोनों एग्जाम को मिलाकर लगभग 25 लाख लड़के एग्जाम देने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्म्स फॉलो कीजिएगा, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजर लगेगा, आप जरा बाजार में घूम के देखिए तो कितना लोग मास्क लगाए हैं, कितना सैनिटाइजर लगाए हैं, और गवर्नमेंट में भी इसमें नहीं ले रही है। या अब एक बात बताइए कि गवर्नमेंट जो थी जब हमारे यहाँ 10,000-20,000 कोरोना था तो लॉकडाउन करो मार के पुलिस धज्जी उड़ा देती थी, हम लोग ताली बजाए थे, थाली बजाए थे, दीपक जलाए थे, अच्छी बात थी, हम सब समर्थन किए थे, उसका विरोध नहीं किए थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब यहाँ कोरोना उफान पर है, डेली 60,000-65,000 मरीज मिल रहे हैं, दुनिया में हम लोग अब रिकॉर्ड बनाने की ओर पहुँच रहे हैं, 30 लाख के परिस के लगभग कोरोना पहुंचने वाला है, और उसमें इतने लाखों लड़कों को एग्जाम 25-25 लाख लड़कों को एग्जाम दिलाने लेके चले जाएंगे, कहाँ का डिसीजन है भाई? तो इसका मतलब ये कहिए कि भाई जो हमने लॉकडाउन शुरुआत में किया था अप्रैल मई में वो किसी काम का नहीं था, उससे अच्छा अभी खोल दिए रहते, इतना भयानक में खोल दिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं जो नीट का तैयारी करते हैं या फिर जेई का करते हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो होली के छुट्टी मनाने के लिए अपने घर गए थे, और होली का जब छुट्टी मनाने गए थे अचानक हुआ कि भाई साहब जनता कर्फ्यू लगेगा, फिर हो गया कि एक हफ्ता का लॉकडाउन लगेगा, इन लड़कों को नहीं पता था कि ये पूरा साल झेलना है, तो इनका जो हैंड रिटन नोट्स था, जो इनकी कॉपी किताबें थी,
80% लड़कों का आज भी कॉपी किताब उनके लॉज में पड़ा हुआ है। और हर स्टूडेंट जो है, अगर गवर्नमेंट पढ़ी लिखी होगी तो सोचेगी कि स्टूडेंट अपने नोट से ही पढ़ पाता है, उसका जो खुद का नोट्स बनाया हुआ है ना उस पर उसको कमांड होता है। वही चीज़ अगर दूसरे के नोट से पढ़ेगा तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। अब आधा लड़कों का किताब उनके उनके जहाँ जहाँ उनका लॉस था, जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ है, अब एग्ज़ाम दिला देंगे यहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनका एग्ज़ाम ले भी दीजिएगा तो कौन यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से जो सीईटी का एग्ज़ाम था 6-6 महीने का है, ठीक है, 6-6 महीने पर वैकेंसी निकलनी चाहिए और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए। जेई वगैरह का एग्ज़ाम को थोड़ा सा रोक देना चाहिए। यूजीसी को कहना चाहिए भाई यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको एक ग्रेडिंग देके पास कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट, अच्छा एक बात बताइए, कोई ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स ला दिया तो क्या उसको नौकरी हो जाती है? नहीं हो जाती है। यहाँ पर तो एक साल कोरोना में हम लोगों ने बहुत से बर्दाश्त किया, तो यूजीसी कर लेगी तो क्या हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं, क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना चाहिए और हर 6 महीने पर वैकेंसी निकलनी चाहिए कि नहीं? आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।